हाय गाइस, तन्मय दिस साइड फ्रॉम वेजी भाजी, और आज 24 घंटे हम लोग खाने वाले हैं पतंजलि का खाना। आपने कमेंट करना है कि आपने कभी पतंजलि से खाना खाया कि नहीं, यस और नो में कमेंट करना, और वीडियो देखने से पहले लाइक कर दो, मजा डबल हो जाएगा। पतंजलि पानी भी बनाता है, दिव्य जल भाई साहब। आइए चलते हैं पहले पतंजलि स्टोर में, थोड़ी शॉपिंग करते हैं और उसके बाद आके अपना खाना वाना बनाते हैं। कुछ चीज़ें हम लोग घर में पतंजलि की यूज़ करते हैं, जैसे ये सेंधा नमक, तो इसको तो घर के लिए यूज़ के लिए लेके आए हैं, और कुछ चीज़ें अपनी वीडियो के लिए लेके आए हैं। मतलब पतंजलि पानी बनाता ही आपको छोटी बात लगेगी, आप हैरान हो जाओगे अगर आप वीडियो का लास्ट पार्ट देखोगे, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। और जैसे हम लोगों ने फ्रोजन फूड वाली वीडियो में करा था, आज शाम से शाम तक 24 आवर चैलेंज करेंगे, मतलब आज शाम से कल शाम तक 24 आवर चैलेंज। पतंजलि के फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज खाने वाले, क्या हो रहा है भाई दुनिया में। कल को तुम बोलोगे पतंजलि अपने चावल बनाता है, बनाता है आटा बनाता है अपना, बनाता है मिस्सी रोटी का आटा बनाता है, ये भी बनाता है, तेल बनाता है, डिशवॉशर, गुलाब जल, कॉर्नफ्लेक्स, चॉकलेट, कार नहीं बनाता ना, हाँ ठीक है। आप लोगों को तो पता ही है मेरा फेवरेट तरीका एयर फ्राई करना है। ये सारी न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो मतलब 450 कैलोरीज है इस पैकेट में, और 92% आलू है, और राइस ब्रांड ऑयल यूज़ किया है, विच इज़ वेरी गुड। मतलब इवन हम लोग घर में भी राइस ब्रांड यूज़ करते हैं। आज की वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैंने इस सामान के लिए कुछ 800-900 रुपये खर्च करे हैं, और कुछ घर का भी सामान लेके आया था। नाइस, हेल्दी फ्रेंच फ्राइज खाएंगे आज हम लोग। Enjoy with butter, lime and salt for taste. ये भी ठीक है। मतलब आपको पता, पतंजलि इतना सारा सामान बनाता है ना, कि मैं जो सारा सामान लेके आया हूँ ना, उसकी मेरे को लिटरली लिस्ट बनानी पड़ी कि कौन सा सामान कब खाऊंगा, ऑर्डरिंग करनी पड़ी। ये पतंजलि का चैलेंज करना बिल्कुल मुश्किल है, बहुत आसान चैलेंज है, क्योंकि पतंजलि एक बड़ी सी कॉन्ग्लोमेट होता, क्या होता है, FMCG कंपनी बन चुकी है, बहुत ही बड़ी सी, जिसके पास सब कुछ मिलता है ऑलमोस्ट। मेरे घर में डिश वॉश की टिक्की भी पतंजलि की आती है, पतंजलि इज एवरीवेयर। तो जब तक मेरे फ्राइज बनते हैं ना, तब तक मैं कुछ और स्नैक्स खा लेता हूँ, क्योंकि अभी इवनिंग स्नैक्स का टाइम हो रखा है। सोया की कटोरी मेड इन राइस ब्रांड ऑयल, मुझे ये चीज देख के बहुत अच्छा लगा। यूजुअली ना लोग कॉटन सीड ऑयल यूज करते हैं या फिर सस्ता वाला ऑयल यूज करते हैं, दिस इज एक्चुअली गुड। 300 कैलोरीज इसमें, अगर ये पूरा पैकेट खा लूंगा, जो मुझे पता है आजकल ना वो फैमिली मैन देख रहा हूँ अमेजोन पे ना, तो रोज का एक एपिसोड देखता हूँ, आराम से वो पूरा एपिसोड देखते देखते इसको खा लूंगा। Nice. ये फ्राई हो रहा है, इसको अपना काम करने देते हैं, किचन से बाहर निकल, किचन की गर्मी ने सिर्फ कुकिंग पाजी झेल सकती है। कुकिंग पाजी को सब्सक्राइब करो यार, 1 लाख सब्सक्राइबर करो अगले के 50 वीडियो डालने से पहले। 37 तो वीडियो हो भी गई, 13 वीडियोस बची हैं, और अभी 27,000 सब्सक्राइबर बचे हैं। फटाफट से सब्सक्राइब करो कुकिंग पाजी को, दोस्तों के साथ शेयर करो, बढ़िया बढ़िया चीजें आएंगी 1 लाख डालने के बाद। मोमोज की रेसिपी, पनीर भुर्जी की रेसिपी, फलाना ढिमकाना की रेसिपी, सारी चीजें कुकिंग पाजी पे फन के साथ। गर्मी भी सिर्फ वही झेल सकता है, वेजी पाजी की बस की बात नहीं है। ये सोया कटोरी 20 रुपए की, और कंपैरिजन के लिए मेरे पास ये अंकल चिप्स का खाली रैपर पड़ा है। कल रात को फैमिली मैन का एपिसोड देखते देखते ये तो मैंने बिल्कुल भी नहीं खाया था, इसमें भी 270-280 कैलोरीज है। पतंजलि से कोई वीडियो देख रहा है, veggiebhaji@gmail.com पे थोड़ी बातचीत करें, आपके प्रोडक्ट्स ठीक है, सब कुछ ठीक है। ये क्या है, मतलब इसको कैसे, मतलब ऐसे रख के पीना है इसको, मतलब देखो ये देखो ऐसे ऐसे है, ऐसे मैं पीऊंगा, यहाँ पे इसका होल है, सारा गिर जाएगा, गिरेगा, मतलब ऐसे शायद ना रखूं, बट काफ़ी अनकन्वेंशनल सी शेप है, मतलब। और साथ में हमारे फेवरेट बिस्किट, मुझे पता आपकी नज़र इधर भी चले गई है। घर में, मेरे घर में पतंजलि का कब्जा बहुत ज़्यादा हो चुका है। ये गिलोय और तुलसी वटी, ये भी पतंजलि के हम लोग खाते हैं इवनिंग स्नैक्स में, आज ये भी खा रहे हैं। भाई बिस्किट्स की भी बहुत सारी वैरायटी है यार पतंजलि के पास। ये इलायची भी नहीं है, ये तो क्रीम है। 7,000 रुपये किलो वाली इलायची 5 रुपये में तुम्हें डाल के दे रहे हैं, तो इलायची तो कूट कूट के डाल नहीं रहे होंगे। ये बढ़िया फ्राइज तो बढ़िया बनी है। फ्राइज के अंदर सिर्फ पतंजलि का सेंधा नमक डाला, क्योंकि जो मिर्च वगैरह और जो मसाले वगैरह हैं वो सब हम लोग नॉन पतंजलि ब्रांड्स यूज़ करते हैं।
अच्छा अब आप लोगों से ना डिनर पे मिलेंगे, थोड़ा टीवी भी देख लेता हूँ। डिनर पे मिलते हैं, आप कंटिन्यू करो। तो देखो दोस्तों, बात ऐसी है कि पतंजलि के पास दाल चावल आटा रोटी सब कुछ मिलता है, पर क्या है कि वो थोड़ा देखना भी पड़ता है ना, थोड़ा एंटरटेनमेंट करना पड़ता है, इंटरेस्टिंग चीजें दिखाने में मजा आता है ना। आइए आपको इंटरेस्टिंग डिनर दिखाते हैं। पतंजलि के पास ज्यादा रेडी टू ईट सामान था नहीं, पर मैंने भी क्या किया, ऐसी वाली चीज ढूंढी है जो फटाफट बन जाए, ताकि अनलाइक कुकिंग पाजी मेरे को घंटों किचन में ना बैठना पड़े। पतंजलि वाले नूडल्स पता है 4-5 फ्लेवर के आते हैं, उबलते हुए पानी में नूडल डाल देना और कुछ इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग है नहीं नूडल के अंदर, जो इंटरेस्टिंग है वो आगे आएगा अभी। ओ दिस मसाला है स्पाइसी रेड, लाइक लिटरली स्पाइसी रेड मसाला है। वैसे तो आज भी वीडियो आती है कुकिंग पाजी पे, वेडनेसडे को भी आती है, बट मंडे को जो वीडियो डाली थी ना कुकिंग पाजी पे, वो मैगी वाले चीज वाले पकौड़े डाले थे, इनसेन, जाके देखना, 10 मिनट में बन जाते, ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती। कभी कभार मुझे लगता कि यार मेरे में कुछ कमी रही है, कि ना मेरे को ना ये मैगी मुगी ना बिना कुछ छेड़छाड़ हेरा फेरी करे ना पसंद नहीं आती। मैगी बड़ी हेल्दी होती है, पतंजलि डाइट मिक्सचर भी बनाता है। और हमारे डिनर में है जी 5-star एनर्जी बार विद काउज मिल्क चॉकलेट एंड फ्रूट्स, राइस क्रिस्प, ओट्स, कॉर्नफ्लेक्स, रेजिन्स, चोको चिप्स, आलमंड स्पाइस, अब क्या क्या डाल रखा है, कितने की है ये, 15 रुपए की है। अब दही किसको नहीं खाना पसंद, मेरे को हमेशा से लगता नहीं है, जो ये डब्बे वाले दही होते हैं ना, इनमें कुछ तो अलग करते हैं, इनका टेस्ट वो पन्नी वाले दही जैसा होता ही नहीं है, बट ये गाय का दूध का दही है, अच्छा है, बढ़िया। जितनी देर में हम लोगों के नूडल बने उतनी देर में मैंने आपको सारी चीज़ें दिखा दी। ओ अच्छा, ये तो महंगी वाली चीज़ लग रही है, कितने की है ये, 55 रुपए की। मतलब इसके अंदर डाइट क्या हुआ, जब इसके अंदर भी 125 ग्राम में इतनी कैलोरीज है, मतलब कुछ 450 के आसपास। मेरे को ये डाइट मिक्सचरों की चीज़ें समझ ही नहीं आती, मतलब इसमें और सोया कटोरी में क्या फ़र्क हुआ फिर। फीलिंग तो डाइट वाली आ रही है, मतलब पतंजलि के नूडल्स और ये दही है और ये मैं एक साथ खा रहा हूँ, मेरी मर्जी, इट्स माई चॉइस। भूटान गया था ना, मैंने वहां पे देखा था नूडल के साथ दही दे रहे थे, वो कर सकते तो मैं नहीं कर सकता। मैंने सीरियसली सोचा था कि इस नूडल में वो बात नहीं होगी मैगी जैसी, बट ये बहुत अच्छे हैं, मतलब फ्लेवरफुल, चटपटे हैं, स्पाइसी नहीं है, एंड डेफिनेटली मैगी से बढ़िया है। मैं भी योगा शुरू कर देता हूँ। पहले 10 सूर्य नमस्कार से स्टार्ट करूंगा। खाना खाना ही ठीक है, ये योगा वाली ओवर एक्टिंग करके तो बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट हो गई है। अब एक एनर्जी बार खा लेता हूँ, ये भी अच्छी है, उसके अंदर पता नहीं क्या अजीब सा ऐसा सा, अच्छी है, बुरे नहीं है। मैंने अभी रियलाइज करा, ये जो राइस क्रिस्प लिखा हुआ था ना डाइट मिक्सचर में, ये तो अपना चिवड़ा है, इंग्लिश में लिख दिया तो समझ ही नहीं आया हमें। अगला दिन शुरू हो गया, बहुत बेहतरीन सा मौसम बाहर हो रखा है अभी। आइए अब ब्रेकफास्ट करते हैं। तो ब्रेकफास्ट में ज़्यादा कुछ अखड़े मखड़े नहीं है, दूध है ये, ओहो क्या बढ़िया मलाई जमी हुई है ये दूध की, मलाई को दूध के साथ ही खाना चाहिए, मलाई मस्त अगर जम जाए ना तो दूध मज़ा आ जाता है पीने का। ये है म्यूसली पतंजलि की, मैं ब्रेकफास्ट में म्यूसली बहुत खाता हूँ, ऑल्दो मैं ये वाली म्यूसली खाता हूँ नो शुगर वाली, और काफ़ी अच्छा टेस्ट होता है, इसमें एप्पल जूस होता है और चीनी वीनी भी नहीं होती, अनलाइक ऑलमोस्ट डेली खाते हैं, बट आज हम लोग ये वाली चेक करेंगे। इसके अंदर ऑब्वियसली चीनी तो होगी, पाइनएप्पल, ड्राइड पपाया, वो भाई पहली बार देख रहा हूँ ये सारी चीज़ें, ड्राइड एप्पल, इन्वर्ट शुगर पता नहीं, और हनी 1%, और हम लोग हनी इसके अंदर ये वाला हनी और डालेंगे। अच्छा उससे पहले अपने दिन की शुरुआत हम लोग अच्छी चीज़ से कर लेते हैं, ये है जी आंवला एलोवेरा जूस विद लीची फ्लेवर। खुशबू तो एकदम ही लीची जूस जैसी आ रही है, बट है ये आंवला एलोवेरा है, मतलब तो मैं पूरा जूस पी गया और वो पार्ट रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, ये देखो जूस
खाली हो गया पूरा बूंद बूंद जूस का, सही था, मतलब लीची जूस जैसा कल पिया था ना उससे हल्का सा अजीब सा था, बट इसके अंदर हल्का सा लीची एक्सट्रैक्ट है, एलोवेरा है, आंवला है, नींबू है, नमक है, तो थोड़ा सा एक डिटॉक्स ड्रिंक टाइप सा हो गया, मतलब ठीक था। फ्रूट्स एंड नट्स, पहली बार मैं किसी म्यूसली में पपाया देखूंगा। बेरीज भी डली हुई है, वो टूटी फ्रूटी वाली फीलिंग आ रही है, ऐसा लग रहा है इसके अंदर टूटी फ्रूटी डली हुई है। ये पपाया है, ये पाइनएप्पल है, ये बेरीज है, टेस्ट करके देखते हैं। पतंजलि का दूध, पतंजलि की म्यूसली, पतंजलि का हनी, मलाई भी पतंजलि के, बर्तन बस मेरे घर के। दूध की मलाई काफ़ी अच्छी जमी है। ओ ये देखो, ताज़ी ताज़ी फ्रेश मलाई। पर इसके अंदर ना कॉर्नफ्लेक्स ज़्यादा है, 25% ना कॉर्नफ्लेक्स ही है इसके अंदर। बंदा ऐसे देखेगा ना, उसको ऐसा लगेगा कि कॉर्नफ्लेक्स ही खा रहा है। देखो हम लोगों को ना घर में म्यूसली खाने का बहुत शौक है, तो जो म्यूसली हम लोग खाते हैं ना, कॉर्नफ्लेक्स सिर्फ 11% रहते हैं, बाकी इसके अंदर ओट्स हैं, वीट फ्लेक्स हैं, मतलब 1/3 ओट्स है, 1/3 वीट फ्लेक्स है। क्या मलाई है भाई, क्या मलाई है। दूध बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया ब्रेकफास्ट होगा, दूध बढ़िया था, म्यूसली ठीक ठीक थी। अभी क्या मेरा पेट भर गया, ऐसा करते हैं ये इम्यूनिटी बार जो है ना, इसको लंच में खाएंगे, ये ब्रेकफास्ट में भी खाते हैं। वो इम्यूनिटी बार थी, ये एनर्जी बार है, ऑरेंज वाली एनर्जी बार है। इसके अंदर किशमिश, ऑरेंज, खजूर, ओट्स, राइस क्रिस्प और कॉर्नफ्लेक्स हैं। जैसे मेरे को चॉकलेट ज़्यादा इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो ये ऑरेंज फ्लेवर है, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है ऑरेंज का। आई थिंक मुझे चॉकलेट ज़्यादा पसंद है। अब मिलता है लंच पे, इस वीडियो की लास्ट मील। बंटी का साबुन स्लो हो ना हो, इसका ना कभी कभार फोकस स्लो हो जाता है। दिन के आखिरी मील में खा रहे हैं कप नूडल्स। क्या आपने कभी सोचा था पतंजलि कप नूडल्स बनाता है? मैंने भी नहीं सोचा, मुझे पता भी नहीं था बनाता है, पर बनाता है। साथ में देखेंगे ये इम्यूनिटी बार क्या चीज़ है, इसको भी फिगर आउट करेंगे। मतलब लोगों को दिवाली पे बिल्कुल भी नहीं चाहिए होती ये चीज़, और मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। पतंजलि के पास गुलाब जामुन और रसगुल्ले दोनों के दोनों थे, बट उन दोनों के ना कंडीशन थी कि वो निकालते ही उसको एक दिन में खाना, और 12-13 पीस थे, हम घर में खाने वाले 4 लोग थे, कैसे खाते, तो मैंने वो नहीं लिया, ये ले लिया। तो कुछ ऐसा पैकेज है पतंजलि के कप नूडल्स का, ये यम्मी मसाला है, वो जो कल जो खाया था वो चटपटा वाला फ्लेवर था, जिसका प्राइस है 40 रुपये, एंड 70 ग्राम ये है इसकी क्वान्टिटी। ये इसके अंदर इंग्रीडियंट्स हैं, बाकी सब कुछ फलाना ढिमकाना है। इसको खोल के देखते हैं, शेल्फ लाइफ इसकी अच्छी खासी होगी क्योंकि ये कप नूडल है। में कोई पैकेट नहीं है, ये नूडल ही मसाले से लिबड़े हुए हैं, ये सब विद अ फ्री चम्मच ऑफ अ गुड क्वालिटी, नाइस। इस पे लिखा हुआ है यहाँ तक पानी डालना है, और जब तक ये कप नूडल्स बनते हैं तब तक हम लोग अपनी इलायची वाली सोन पापड़ी खोल लेते हैं। मतलब आई नेवर न्यू पतंजलि दवाइयाँ बनाने से सोन पापड़ी बनाने तक में एक्सपैंड कर जाएगा, मतलब पतंजलि अपनी सोन पापड़ी बेचने लग गया। कांट बिलीव इट, हैव टू टेस्ट इट। मतलब आप लोग एक्साइटेड हो गए इंस्टेंट नूडल्स के लिए, आपको पता नहीं मेरे को सोन पापड़ी कितनी पसंद है, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए। ऑनेस्टली मुझे हल्दीराम्स की सोन पापड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, लाइक बहुत ज़्यादा, बट इतनी माड़ी भी नहीं है, हल्की सी चीनी इसके अंदर कम है। आज से 3-4 साल पहले जाते थे पतंजलि स्टोर पर, सिर्फ दवाइयाँ लेके आते थे, हनी और एक सेंधा नमक या एक दो और चीज़ें लाते थे। अभी मैं कल गया, फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज मिले, सोन पापड़ी, रसगुल्ले, ब्राउन राइस, क्या क्या चीज़ें मिल रही यार, और सबसे क्रेजी इंस्टेंट नूडल्स मिल रहे हैं यार। अच्छा ये होती है ना जैसे वो लस्सी के पाउच होते हैं, 10 रुपये का लस्सी का पाउच है, इसको भी टेस्ट करके देखते हैं कैसी है। द मीठी लस्सी ड्रिप टेस्ट, थोड़ी सी पतली है, मीठी भी कम है। दही बचाया हुआ है कल का, दूध और दही बेस्ट है। अब यार कल रात को ना थोड़ा लेट हो गया था, मैं थक भी ज़्यादा गया था, और वो हल्दी वाले दूध में हल्दी भी हम लोग टाटा की लेते हैं, तो पतंजलि की हल्दी भी नहीं थी, प्लेन दूध के साथ वो मज़ा नहीं आता, तो ये रस्क तो मैं उसी चीज़ के लिए लाया था, बट अब क्योंकि लेट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट तो कर ही लेते हैं ना। इस रस्क की सोच रहा हूँ कुछ ना पुडिंग पुडिंग टाइप बनाऊँ कुकिंग पाजी पे, रस्क अच्छा
और वो जो इनके दूध वाले बिस्किट होते हैं पार्ले जी से अच्छे होते हैं, अगर आपको हल्का दूध वाला फ्लेवर ज्यादा पसंद है। अगर आपको एकदम नॉर्मल बैलेंस फ्लेवर पसंद है तो पार्ले जी ज्यादा बढ़िया। बाकी दाले दूले ये सब चीजें चावल चुबल तो होता ही, अच्छा ही होता है, इसमें क्या बताएं। एक कप नूडल बन गया पानी, ये सारे कप नूडल वाले ब्रांड ना बोलते ज्यादा है, डलना कम होता है। और टेस्ट करते हैं पतंजलि कप नूडल कैसे है। ये ऑनेस्टली देखने में एवरेज लग रहे हैं, कल वाले नूडल ज़्यादा बढ़िया थे, बड़े फिक्के फिक्के से लग रहे हैं, पर इसका फिक्स है हमारे पास फिक्के फिक्के का। वो फिक्के फिक्के नूडल्स का ना फिक्स ये है, मूंग दाल। पतंजलि की सारी नमकीनें एक बराबर, सारे बिस्किट एक बराबर, और ये मूंग दाल का टेस्ट एक बराबर। मूंग दाल मिक्सचर बे। ये मूंग दाल डाल के थोड़ा सा तो बढ़िया हुआ है, बट वो कल वाला चटपटा फ्लेवर ना बहुत बढ़िया था, मतलब इट वॉज मैगी से भी बढ़िया था, ये मैगी से बहुत बेकार है। कल की पहली मील बहुत बढ़िया, कल की दूसरी मील बहुत बढ़िया, आज सुबह की पहली मील बहुत बढ़िया, आज सुबह की दूसरी मील थोड़ी सी हल्की जा रही है, देखते हैं लास्ट चीज़ उसको बचा पाती है कि नहीं। वैक्सीन एक लगवा लिया मैंने, आपने लगाई है कि नहीं लगाई? इम्यूनिटी बार खाते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या इम्यूनिटी बूस्टर है। वही वीट फ्लेक्स, वही चॉकलेट, वही हनी, पम्पकिन, ग्लिसरीन, जैगरी, राइस फ्लेक्स, रोल डोट्स। मेरे को लग रहा है वो कल का 5-स्टार वाला पैकेट ना वही बेस्ट था शायद। ओह सर, वो इसमें सीड्स वगैरह भी डाल रखे हैं, फ्लैक्स सीड्स वगैरह भी डाल रखे हैं, देखने में तो अच्छा लग रहा है, टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। थोड़ा फज टाइप का डेंस है, फज और ब्राउनी के बीच में है। तीनों चॉकलेट्स में से सबसे बढ़िया ये वाला, कितने का है? इम्यूनिटी वर्ड डालते ही ना इम्यूनिटी और हेल्दी वर्ड इतने महंगे पड़ते हैं ना बंदे को। वो दोनों एक 15 का था एक 10 का था, ये सीधा 45 का, साइज ऑलमोस्ट सेम है। बाकी कमेंट करके बताना पतंजलि का खाना आपने कभी खाया कि नहीं खाया। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, इवनिंग टू इवनिंग 24 आवर चैलेंज। अगला 24 आवर चैलेंज कौन सा करे कमेंट्स में बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो, और वीडियो को लाइक कर लो, और कुकिंग बाजी को चेकआउट करना। आपसे बात करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मौसम इतना बेरहम हो रखा है ना, अभी इतना खूबसूरत मौसम था, 5 मिनट शूट करा, सोचा शूट करके तसल्ली से बैठ के मौसम को एंजॉय करूँगा, कचरा धूप निकल आई, दिव्य जल। काफ़ी सारे ना मैंने लोगों को देखा था कि लोग ना पतंजलि का काफ़ी मजाक वजाक बना रहे थे, और कि मतलब पतंजलि के इतने प्रोडक्ट्स हैं, ये है वो है। अच्छी बात है ना यार, कोई एक इंडियन कंपनी मेक इन इंडिया इतने सारे प्रोडक्ट्स वगैरह बना रही है, तो पतंजलि हो कोई भी कंपनी हो, अगर इंडियन कंपनी इंडिया में प्रोडक्ट्स बना रही है तो अच्छी बात है, उसको सपोर्ट करो, चाहे कोई भी कंपनी हो। बाय बाय।